रामविलास जी, माननीय रामविलास जी, माननीय रामविलास जी, सरकार को डायरेक्शन दे सकते हैं कि आप वापस लीजिए अपना निर्णय। माननीय रामविलास जी प्लीज, ठीक है प्लीज सतीश जी, यू विल गेट अपॉर्चुनिटी इन बजट एंड यू स्पीक ऑन दैट प्लीज। जितने नाम आए थे पहले मैंने उनको दे दिया बहुत पहले से, अब मैं नए नाम नहीं दे सकता। आई एम नॉट गोइंग टू इंक्लूड एनी न्यू नेम। आई डू रेस्पेक्ट मिस्टर पेरियार एंड ऑल दैट मूवमेंट, बट आई एम नॉट गोइंग टू गिव। सिर्फ आपकी बात रिकॉर्ड पे जाएगी। माननीय रामविलास जी, नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड। माननीय रामविलास जी खड़े हैं, आप उन्हें बोलने जाए। उपाध्यक्ष जी, ये बहुत ही गंभीर मामला है और पूरा देश, अब तो पहले चलिए एससी एसटी का रिजर्वेशन था, मंडल कमीशन के संबंध में ओबीसी का हुआ, फिर ऊंची जाति के 10% लोगों का हो गया, अब कोई समाज का वर्ग क्या कहते हैं इसमें छूटा हुआ क्या कहते हैं कि नहीं है, और सब लोग क्या कहते हैं कि शॉक्ड हैं। और मैं इस बात से, हम अपनी पार्टी की तरफ से मैं कहता हूँ, लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से, कि मैं इस बात से दो चीज़ से तो मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि जुडिशरी में आरक्षण हो, इसके लिए ज़रूरी है कि इंडियन जुडिशल सर्विस और हायर जुडिशरी में इंडियन जुडिशल सर्विस होना चाहिए, और इसको क्या कहते हैं कि एक्ट जितने भी प्लीज, और जो भी एक्ट है आरक्षण के संबंध में उसको संविधान के नामी सूची में क्या कहते हैं कि डालना क्या कहते हैं कि चाहिए। आपने जो बातें कही, सरकार एक काम करती है, सरकार जो है सरकार होती है, ना यूपीए की सरकार होती है, ना एनडीए की सरकार होती है, भारत सरकार होती है, और यही कारण है कि दोनों सरकार इसमें इन्वॉल्व हैं। जो जब 2012 में हुआ तो यूपीए की सरकार थी, और 2000 अभी की जो बात कर रहे हैं वो एनडीए की सरकार है, और लेकिन जो पार्लियामेंट है वो सर्वोच्च है, और चार बार हमको इस बात का खुशी है कि चार बार संविधान में संशोधन हुआ। 1990 में जब मंडल कमीशन लागू हुआ, बीपी सिंह की सरकार थी, हम थे मंत्री थे, और उस समय में जब मंडल कमीशन लागू हुआ तो उसमें एससी एसटी का कहीं मामला नहीं था, पिछड़ा वर्ग का मामला था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि आप प्रमोशन में रिजर्वेशन 5 साल के बाद नहीं रहेगा, तो किसी का रिजर्वेशन तो था ही नहीं, एससी एसटी का ही था। लेकिन हम धन्यवाद देना चाहते हैं, नरसिम्हा राव की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, पहला संशोधन क्या कहते हैं कि उनके सरकार में हुआ कि प्रमोशन में रिजर्वेशन रहेगा, फिर लोग सुप्रीम कोर्ट में चला गया कि प्रमोशन में रिजर्वेशन तो रहेगा लेकिन सीनियरिटी नहीं रहेगी, तब तक अटल जी की सरकार आ गई, मंत्री थे हम लोग, और उसमें जाकर के संविधान संशोधन हुआ कि नहीं सीनियरिटी भी रहेगा, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में लोग चला गया और कहा कि सीनियरिटी तो रहेगा लेकिन रिलैक्सेशन नहीं रहेगा, फिर जाकर के संविधान में संशोधन हुआ कि नहीं रिलैक्सेशन भी होगा, फिर उसके बाद लोग कोर्ट में चला गया, फिर कोर्ट ने कहा कि 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन ज़्यादा नहीं होगा, फिर संविधान संशोधन हुआ, सब लोगों ने समर्थन किया कि नहीं 50% नहीं हो लेकिन जो 100% क्या कहते हैं स्पेशल ट्रीटमेंट क्या कहते हैं हो सकता है। फिर उसके बाद नागराज गया कोर्ट में और उसने कहा कि ये जितने संविधान संशोधन हुए हैं जो सुप्रीम कोर्ट अभी कह रही है ये सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स में क्या कहते हैं कि नहीं है और इसलिए सब असंवैधानिक हैं। तो इसलिए मैं अध्यक्ष जी कहना चाहता हूँ, हमारे साथी ने ठीक कहा कि क्या कहते हैं ये तो समझौता हुआ था पूना पैक्ट के तहत, ये जो कह रहे हैं कि जब कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 3 चीज मांगा बैकवर्डनेस, तो बैकवर्ड तो है ही, शेड्यूल कास्ट का संबंध जो है वो तो अनटचेबल था, संविधान में पढ़िए ये बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट के लिए है, बैकवर्ड क्लासेस के लिए ओबीसी है, अदर बैकवर्ड क्लासेस है। तो इसलिए सर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सीधी सी बात है, सरकार क्या कहते हैं आपको मालूम है कि यही तरह का मामला हुआ था, एससी एसटी एक्ट का मामला, एक मिनट, एससी एसटी एक्ट का मामला आया था, सब लोग हल्ला कर रहे थे, और हमारी सरकार है नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, 3 दिन के अंदर में एससी एसटी एक्ट को कैबिनेट में हम लोगों ने 8 तारीख को क्या कहते हैं 7 तारीख को पास किया, 8 तारीख को लोकसभा में पास किया, और 10 तारीख को जो है 9 तारीख 10 तारीख को यहाँ है हमारी सरकार। सुनिए प्लीज, वो प्लीज, मैं आ रहा हूँ ना, नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड, प्लीज बी ब्रीफ माननीय मंत्री जी, नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड, आई कंक्लूड, प्लीज माननीय मंत्री जी,
माननीय मंत्री जी आप अध्यक्ष जी, इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ घबराने की कोई बात नहीं है। हमारी सरकार है, नरेंद्र मोदी की सरकार है, कोई सरकार आरक्षण को खत्म नहीं कर सकती है और इस आरक्षण को कायम रखने के लिए जो भी करना होगा सरकार क्या कहते हैं करेगी। हम इस सदन को क्या कहते हैं कि हम विश्वास दिलाना चाहते हैं। माननीय मंत्री जी स्टेटमेंट प्लीज 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 माननीय उपसभापति जी प्लीज जो आप माने माने बैठे माने सतीश चंद्र जी प्लीज बैठे बैठे बैठे। नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड। माननीय मंत्री जी खड़े हैं बोलने के लिए। आप सबकी क्वेरीज के बाद माननीय माननीय नेता संसद कह रहे हैं। माननीय सतीश जी आप बैठे प्लीज प्लीज। नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड। पुनिया जी अब जो है आप बोल। माननीय उपसभापति महोदय नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड। अनेक माननीय सदस्यों ने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के तारतम्य में जो परिस्थितियां निर्मित होने की आशंका है उनकी ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया है। मेरे पास उसका एक ही उत्तर है। मैंने पहले ही कहा हमारी सरकार अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए समर्पित और प्रतिबद्ध है। इस विषय पर उच्च स्तरीय विचार विमर्श के बाद उचित निर्णय करेगी। यही मेरा उत्तर है। थैंक यू। श्री नाउ वी मूव टू बजट। श्री रीता नमस्कार बनाया गया और न ही भारत सरकार से शपथ पत्र मांगा गया। उक्त मामला एसएलपी उत्तराखंड सरकार के द्वारा दिनांक 5 सितंबर 2012 में लिए गए निर्णय के कारण उत्पन्न हुआ है, जिससे उत्तराखंड में प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं लागू करने का निर्णय लिया था। यहाँ यह उल्लेख करना उचित होगा कि 2012 में उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। हमारी सरकार अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के कल्याण के लिए समर्पित और प्रतिबद्ध है। इस विषय पर उच्च स्तरीय विचार के बाद भारत सरकार समुचित कदम उठाएगी। जस्ट फॉर क्लेरिफिकेशन प्लीज मैडम इट विल नॉट गो ऑन रिकॉर्ड। आई हैव नॉट कॉल्ड यू प्लीज। आई हैव नॉट कॉल्ड ऑन रिकॉर्ड। सिर्फ ऑनरेबल पीएल पुनिया जी किसी नो आई हैव नॉट कॉल्ड यू। आई हैव नॉट कॉल्ड अदर पर्सन ओनली पीएल पुनिया जी। क्वेरी विल गो ऑन द रिकॉर्ड प्लीज। ठीक है ठीक। पीएल पुनिया जी प्लीज। मंत्री जी ने जो जवाब दिया है स्टेटमेंट दिया है उसमें उत्तराखंड सरकार उस समय कौन थी, लेकिन ये हकीकत है कि आज के दिन जो वर्तमान उत्तराखंड सरकार है उसने सुप्रीम कोर्ट में पैरवी की और ये स्पष्ट रूप से कहा कि किसी का फंडामेंटल राइट नहीं है प्रमोशन और रिजर्वेशन क्लेम करने का, और ये भी कहा कि राज्य सरकार का कोई कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है रिजर्वेशन प्रमोशन लागू करने के लिए। ये पूरे सरकारों पूरे हिंदुस्तान भर में हर सरकार से अब तक ये कभी इस तरह का दृष्टिकोण नहीं रहा। आपको मालूम है कि पहला जो संविधान संशोधन 1951 में पेश हुआ था तो उसमें स्पष्ट रूप से कर दिया जाता था और ये उम्मीद थी कि राज्य सरकारें ऐसे कानून को लागू करना चाहती हैं और प्लीज पुट योर क्वेरी। जो न्यायालय से हस्तक्षेप होता है उसको रोकने के लिए प्राविधान किया गया person, लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है कि इस तरह का भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ये इस तरह की श्री विनय विश्वास नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड नाउ। नो इट्स नॉट गोइंग ऑन रिकॉर्ड। ओनली ओनली श्री विनय विश्वम यू हैव टू पुट योर क्वेरी। नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड। पीएल पुनिया इट्स नॉट ओकेजन ऑफ स्पीच। Please put otherwise I will move to other person. You will lose your opportunity. Sir, thank you sir. Please. Thank you sir. It's not going on record. Thank you sir. It's going on not going on record. Honorable Minister you was... Please put your query, a specific query. Sir, the Minister was telling that... Yes. The government of India was not a party to the... Nothing is going on record, PL Punyaji. My point is that
Please put only a specific queries. It's not occasion of speech. Yes, I know it, sir. Please. Will the government of India file a review petition at the earliest, if possible, next day? Honorable Trichu Sivaji. Thank you, Deputy Chairman, sir. Sir, Article 16.4 empowers the state to make any provision for the reservation of appointments or posts in favor of any BC of citizens or SCs. Article 77th Amendment of the Constitution provided 16.4A, and which was upheld by the Supreme Court by a bench of 11 judges, sir, 7 judges in the case of Thomas, that it is not a direction, it's only a facet of 16.4. So it is very mandatory, sir, and only 2 judges bench has given the judgment yesterday. So the earlier judgment given by 7 bench judge is that it is a basic fundamental right of every citizen, and it is in the Constitution. So we urge the government to immediately file a review petition and to give an assurance to the scheduled caste and scheduled tribes and the backward community that the reservations will not be forfeited. Thank you. Thank you, sir. Honorable Satish Chandra Misra. Thank you, sir. Thank you. No, Satish.